बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर साजिद खान इन दिनों बिग बॉस 16 में नजर आ रहे हैं। साजिद खान की एंट्री के बाद से ही लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है और वो लगातार उन्हें शो से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। दरअसल साजिद खान पर कई बॉलीवुड हसीनाओं ने शोषण का आरोप लगाया था, जिसे लेकर शो के शुरुआत से ही साजिद खान ट्रोल हो रहे हैं। वहीं हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो गौहर खान संग हुए ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए। लेकिन बता दें कि साजिद खान गौहर के अलावा भी कई बॉलीवुड और टीवी हसीनाओं के दिल के साथ खेल चुके हैं। इस लिस्ट में जैकलिन फर्नांडिस से लेकर ईशा गुप्ता तक शामिल है। तो चलिए एक नजर डालते हैं साजिद खान के लिंकअप्स पर। नंबर एक, जैकलिन फर्नांडिस। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जैकलिन फर्नांडिस का आता है। बता दें कि साजिद खान और जैकलिन फर्नांडिस कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे थे। एक्ट्रेस ने साजिद की फिल्म अलादीन से डेब्यू किया था, हालांकि उनका रिलेशनशिप हाउसफुल 2 के बाद खत्म हो गया था। नंबर दो, ईशा गुप्ता। ईशा गुप्ता और साजिद खान काफी दिनों तक रिलेशनशिप में रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम सकर्स के दौरान दोनों लिव इन में भी रहे थे। नंबर तीन, तमन्ना भाटिया। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और साजिद खान का नाम भी खूब जुड़ा था। बताया जाता है कि हिम्मत वाला के दौरान तमन्ना और साजिद साथ में थे, लेकिन बाद में तमन्ना भाटिया ने साजिद खान को अपना भाई बताया था। नंबर चार, गौहर खान। गौहर खान और साजिद खान की प्रेम कहानी का अंत सगाई के बाद हुआ। दोनों की सगाई हो गई थी, लेकिन साजिद खान ने अपने एक इंटरव्यू में ब्रेकअप का कारण बताया कि वे उस वक्त कई लड़कियों को आई लव यू बोलते थे। साजिद खान का कहना था कि उनका कैरेक्टर उस वक्त ढीला था। नंबर पांच, रक्षिंदा खान। एक्ट्रेस रक्षिंदा खान के साथ भी साजिद खान का नाम जुड़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की जल्दबाजी में सगाई भी हो गई थी, लेकिन सगाई के कुछ महीनों बाद ही दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था। नंबर छह, गीता कपूर। गीता कपूर और साजिद खान एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। फराह खान के कारण साजिद और गीता की बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई थी। साजिद खान ने खुद सुपर डांसर 2 के सेट पर बताया कि उन्होंने गीता कपूर को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन बात कुछ खास बनी नहीं। तो दोस्तों, साजिद खान को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।